147 ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ଦଳ। 21 ସିଟ୍ରେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ସବୁଠି ହେବ ଜୋରଦାର ଫାଇଟ। एकदम आग्रेसिवली लड़िब भारतीय जनता पार्टी। एक निर्दिष्ट गणमाध्यम साक्षात्कार कथा मने पकई दउचु, जेउठी बीजेपी रो केंद्र चेहरा तथा धर्मेन्द्र प्रधान कहिथिले भारतीय जनता पार्टी ओडिसा रे 15 रु अधिक लोकसभा सांसद सीट रे विजय लाभ करिवो। तापरे दिल्ली रे भारतीय जनता पार्टी ओडिसा प्रदेश नेतांकर केंद्र नेतामानक सह आलोचना होइथिला। नेशनल जनरल सेक्रेटरी इन इनचार्ज बीएल संतोष इतिमध्यरे ओडिशा आसी राज्य नेतामानक सह आलोचना करिसंती। स्टेट ऑब्जर्वर सुनील बंसल, को ऑब्जर्वर विजय पाल सिंह तोमर मध्य ओडिशा रे जोरदार लड़ाई पाई राज्य नेतांक सह आलोचना और प्लानिंग करूथिबा जणा पड़िछि। बीजेपी रा राज्य सभापति और विरोधी दल नेता उभय अनेक थर मीडिया रे कहि सारिलेनी बीजेडी सह एथर कड़ाकड़ी टक्कर हबो। जणा पड़िछि ओडिशा रे अनेक केन्द्रीय नेता प्रचार रो मंग धरिबे। बीजेपी ओडिशा रो प्रत्येक घरे केंद्र सरकार को विभिन्न योजना को पहुंचाइबा पई निज कार्यकर्ता को नहीं एक रोड मैप प्रस्तुत कर सारी। तेबे एक इलेक्शन मैनेज संस्था दीर्घ दिन हम ओडिशा रे बीजेपी रो ग्राउंड प्लान करी काम आरंभ कर सारी सूचना रही। ओडिशा रे बीजेपी मेंट करबा खबर को दल संपूर्ण अस्वीकार करबा सह एक जोरदार लड़ाई पई प्रस्तुत थिबा बीजेपी नेता माने मत प्रकाश करिसंती। तेबे धर्मेन्द्र साक्षात्कार समय दंभोक्ति ही स्पष्ट कर देइथिला जे बीजेपी ओडिशा रे सरकार गठन पई अंटा भिड़ी सारी और वर्तमान स्थिति बीजेपी नेता कर्मी तत्परता और दिल्ली नेता घन घन ओडिशा आगमन स्पष्ट कर सारिलाणी जे राम मंदिर उद्घाटन पर बीजेपी 2024 ओडिशा विजय पई फुल आग्रेसिवली काम आरंभ करिदबो। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस डिजिटल। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।